बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका विद हैरी। और आज की जो वीडियो है ना मेरी बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल सुबह से स्टार्ट हुई है। मैं जस्ट अभी उठी हूँ और उठने के बाद मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लिया था। एक गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद मैं अपना जो बिस्तर है उससे समेट लूँगी और उसके बाद करेंगे ब्रशिंग। तो मैं यहाँ पर ब्रश कर रही हूँ। मैंने सोचा काफ़ी मतलब अभी तक मैंने अपनी जितनी भी वीडियो दिखाई है उसमें मैंने बिल्कुल सुबह से नहीं दिखाया है, बिल्कुल बिस्तर से उठने से। तो आज की वीडियो थोड़ी सी वहीं से ही स्टार्ट है, बिल्कुल सुबह सुबह से। और मैंने ना अभी नहाया भी नहीं है, तो जस्ट उठने के बाद मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ गुनगुना, और उसके बाद थोड़ी देर वैसे ही फ़ोन ऑन में लगी रहती हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। उठने के बाद बिस्तर समेटने के बाद ब्रश कर लिया है मैंने, अब चलते हैं रूम पे और करते हैं रूम की सफाई। चादरें वादरें मैंने झाड़ ली हैं और दूसरे रूम के भी मैंने बिस्तर वगैरह समेट लिए। तो यहाँ पे दरीज वगैरह जो भी हैं उसे समेट लेते हैं और लगाते हैं झाड़ू। और हस्बैंड जिन्हें मुझसे पहले नहा लिया था वो उठ के सीधे उनने मुझसे पहले उठ के वॉक पे जाके आके उनने अभी मैं जब झाड़ू मार रही हूँ तो उनने नहा लिया था, तो मुझसे थोड़ी और पहले उठ जाते हैं। और मैं उठी हूँ लगभग 5:30 बजे, 5:30 बजे होंगे। तो झाड़ू वाड़ू मार लेते हैं, इस रूम का कंप्लीट हो चुका है, अब अपने रूम में चलेंगे फिर अपने रूम का मारेंगे। तो आज की वीडियो जो है मेरी हो भी सकती है थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि बहुत सुबह से स्टार्ट कर दी है। तो इस रूम में भी बिस्तर बिस्तर समेट लिया और हस्बैंड जी ने नहा लिया है देखिए, बट अभी पूजा नहीं की है, नहा धो के बैठे हैं वो, क्योंकि मुझे ऊपर पोछा मारना है मंदिर वाले रूम पे, तो इसीलिए मेरा वेट कर रहे हैं। और मैं पहले यहाँ का झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद ऊपर मार लूँगी। झाड़ू वाड़ू का काम मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और बाहर आज काफ़ी सुबह है, थोड़ा सा उजाला हो गया देखिए, क्योंकि झाड़ू वाड़ू बिस्तर इस्तर समेट में मैंने वीडियो फास्ट करी है बट टाइम तो लगता है इन चीज़ों में, सफाई वफाई में। तो अभी काफ़ी सुबह है और बाहर है लाइट चली हुई है, रोड पर तो काफ़ी उजाला हो रहा है। और ये सुबह सुबह का टाइम ये देखिए, बिल्कुल लाइट की वजह से ना काफ़ी उजाला रहता है यहाँ पे और बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है सुबह सुबह, बिल्कुल शांत सा माहौल नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही हुआ है। तो चलते हैं रूम पे और बाकी के काम निपटाते हैं। ऊपर ना मैंने झाड़ू और पोछा लगा दिया था और हस्बैंड जी करेंगे अभी पूजा, तो अब नीचे का पोछा रहता है तो फटाफट से जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊँगी। किचन विचन में भी मैंने पोछा मार दिया था और बैठक वाले रूम पर मैंने मार दिया था, टीवी वाले और मैं अभी अपने वाले रूम पे मार रही हूँ। और उसके बाद लगाने हैं बरामदे पे, तो बरामदे पे भी पोछा लगा लेते हैं, फिर बाहर पोछा लगा लेते हैं। और उसके बाद जब मेरा ना झाड़ू पोछे का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और पोछा तो ऐसा होता ना टाइम पे उठ जाते हैं तो पहले मार लेती हूँ, वरना अगर जब भी मुझे जल्दबाजी होती है तो मैं किचन का काम पहले कर लेती हूँ और बाद में लगा लेती हूँ। तो ऐसे भी कर लेती हूँ वैसे भी कर लेती हूँ, तो आज तो टाइम पे उठ गए थे। और झाड़ू पोछा कंप्लीट हो चुका है, झाड़ू पोछा कंप्लीट हो चुका है और मैं आ गई थी नहाने, नहा धो के चाय बन गई है, पूजा पाठ तो हो ही चुका था, बस सुबह सुबह की चाय और बिस्किट है यहाँ पे, तो चाय के साथ हल्के फुल्के बिस्किट वगैरह ले लेते हैं हम, क्योंकि फिर नाश्ता अगर हम थोड़ा लेट भी करें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और अंशु ने अपना दूध पी लिया था और उसके बाद उसके एक चल रहे हैं टेस्ट, तो यहाँ पे सुबह सुबह जो है वो अपना रिवीजन कर रहा है, एक बार जो है वो मॉर्निंग पे रिवीजन कर लेता है, तो यहाँ पे वो रिवीजन कर रहा है अपना और मैं साथ ही उसे भी देखूँगी। चाय है पी लिया है, अब चलते हैं किचन की तरफ और किचन का काम भी काफ़ी बचा है, लंच तैयार करना है। तो मैंने आलू जो भी मुझे सब्ज़ी बनानी थी सब कुछ मैंने कटिंग कर ली थी और मैंने चढ़ा भी दिया है यहाँ पे, उसमें मसाले ऐड कर देते हैं। उसके बाद सब्जी को हल्के आँच में छोड़ दूँगी और मैं आटा मल लूँगी, आटा भी मैंने मल दिया था वैसे, और मैं यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट कर दूँगी, रोटी और पराठे। और सुबह सुबह तो मतलब भागम भाग मची होती है काम को लेके फटाफट से, मगर अगर झाड़ू पोछा पूजा पाठ सुबह अगर अच्छे से हो जाए ना तो टाइम पर उठने के बाद काफ़ी आराम से हो ही जाता है, और आज तो मेरा काम काफ़ी आराम से ही हुआ है। और रोटी भी मेरी यहाँ पे बनके तैयार है और मैंने अंशु के लिए तैयार कर दिया है टिफ़िन, पराठे और सब्जी, और मैं थोड़े से फ्रूट्स रखूँगी यहाँ पे और उसकी वाटर बोतल धो के उसमें वाटर डाल दूँगी।
तो इस हल्के से मैंने सफाई कर ली। अब मैंने उसका लंच पैक करके अंशु को स्कूल भेज दिया था। उसके पापा चले गए उसे छोड़ने के लिए। और सुबह सुबह इतना ही काम हुआ है और इतने सारे बर्तन, ये देखिए सिर्फ चाय और नाश्ता बनाने के बर्तन है, अभी हमने नाश्ता किया नहीं है, तो इन बर्तनों को धो लेते हैं। और दूध भी आ चुका है मेरे यहाँ पे। ये गैस मैं इधर रख दूँगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह होती है ना, तो बर्तन धोने के लिए सही रहता है। तो दूध भी मैंने उबालने के लिए रख दिया है और इन बर्तनों को मैं थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि मेरा यहाँ पे इतना काम कंप्लीट हो गया। और उसके बाद दूध दूध उबल रहा है, मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं। दूध हल्की आँच में छोड़ दूँगी और हम लोग कर लेंगे नाश्ता। तो मैंने यहाँ पे हम दोनों के लिए लगा लिया है नाश्ता, सारे आप लोग भी नाश्ता कर हो चुका लीजिए। है और दूध उबल रहा है। नाश्ता करके आ गई हूँ बट बर्तन नहीं धोए हैं अभी। दोबारा से बर्तन धोने पड़ेंगे। एक बार उतने सारे बर्तन धोए मैंने सुबह कि नाश्ता सब बनने में बहुत सारे बर्तन यूज़ होते हैं, तो वो बर्तन भी धो दिए थे। अब दोबारा हो रहा है और दूध उबल रहा है। और उन बर्तनों को भी लगाती हूँ, तो मैं फटाफट से जो बचे कुचे बर्तन हैं उनको वॉश कर लेती हूँ और उनके उनकी जगह पे लगा लेती हूँ। दूध उबाल के बर्तन खाली करके उसे भी वॉश करना है, तो बाकी के काम कर लेते हैं और मैं फिर मिलती हूँ आपसे। किचन का काम निपटाने के बाद यहाँ पे दरीस वगैरह लगा रही हूँ क्योंकि पोछा तो सुबह मार दिया था और यहाँ पे सब सूख भी चुका है। तो अब मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा लूँगी। और ये अंशु के कपड़े हैं जो स्कूल जाते समय खुल के गए हैं, तो इनको मैंने यहीं पे रख दूँगी। जब वो स्कूल से आएगा तो फिर से ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद ना आज थोड़ा सा यहाँ पे सेट अट करने के बाद मैं लगाऊंगी नेल पॉलिश, क्योंकि पैरों के नेल जो नेल पॉलिश है वो उतर गई थी, तो मैंने कहा चलो नेल पॉलिश लगा लेते हैं। हाथों पे भी लगाना है, बहुत गंदे से हो रहे हैं, निकल सा रहा है। बट थिनर ख़त्म हो गया है तो अपने से कैसे लगाऊंगी, मुझे इसे रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर मैं दूसरा लगा सकती हूँ। तो अभी बज रहे होंगे 9:30 या 10 के करीब बज रहे होंगे और इस टाइम पे मेरा जो किचन का काम होता है वो सब कंप्लीट हो जाता है, नाश्ता वगैरह सब कुछ। और रही बात दिन में, तो दिन में हम दोबारा अगर हमें कुछ खाना होता है तो मैं हल्का फुल्का बना लेती हूँ 2:30 बजे के टाइम पे। 2:30 बजे के टाइम पे इसलिए क्योंकि अंशु स्कूल से आ जाता है उस टाइम, जब अंशु आ जाता है दोपहर में उसके बाद हमें कुछ खाना होता है तो हम साथ में ही खा लेते हैं। और कभी कभी तो आजकल जो है सुबह अगर ब्रेकफास्ट करके जाता है, स्कूल में लंच लेके जाता है, तो जब स्कूल से वापस आता है तो उसे भूख नहीं लगती, तो कभी कभी नहीं खाता है। आने के बाद चेंज वेंज करने के बाद, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो खेलने चले जाता है, फिर वहाँ से आता है फिर पढ़ाई वढ़ाई करता है। तो उसके आने तक मैं सब्जी वब्जी जो भी है काट के चढ़ा देती हूँ, सब्जी वब्जी बना देती हूँ, आटा मल देती हूँ, और फिर जाके जो है उसे उसके पढ़ाई का जो रहता है मैं उसे पढ़ाई करवाती हूँ। तो मेरा दिन तो ऐसे ही गुजरता है। और अभी तो सारा काम हो चुका है किचन का, दरीज वगैरह जो भी मुझे बिछानी थी मैंने वो भी बिछा दी, किचन का पूरा कंप्लीट हो चुका है। दूध उबाल के मैंने उन्हें उसकी जगह पे भी रख दिया है। तो अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है इस बीच में हमेशा ही, तो मैं क्या करती हूँ अपने छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, नेल पॉलिश लगाना, या फिर वैसे बाल बाल तो नहीं बनाती हूँ मैं, बाल तो ऐसा होता है कभी कभी बनाती ही नहीं हूँ, ऐसे ही रह जाता है, और कभी कभी बना लेती हूँ। पर बीच में टाइम मिल जाता है जब मैं कभी कभी टीवी देख लेती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, सूट की कटिंग कर लेती हूँ, कपड़े संभाल लेती हूँ, या मतलब छोटा मोटा काम बिल्कुल कुछ ना कुछ मेरा चलता ही रहता है। तो जैसे मैं अभी फ्री हो गई थी तो मैंने कहा चलो नेल पॉलिश लगा लिया जाए, हाथ पैरों में बहुत बेकार से हो रहे हैं। तो और अभी मैं थोड़ी देर देखती हूँ मुझे क्या करना है, और आज की वीडियो मेरी होल डे रहने वाली है, पूरे दिन मतलब बीच बीच में दिखाऊंगी मैं आपसे। अभी तो 9:30 बजने वाले हैं, अभी मैं बीच में जो भी करना है करूँगी। थोड़ी देर टीवी भी देख लेती हूँ मैं कभी कभी, वैसे तो टाइम नहीं मिलता बट कभी भी जब मुझे टाइम मिलता है मैं देख लेती हूँ। तो अभी नेल पॉलिश सूखने देते हैं और मैं इसे निकालने की कोशिश करती हूँ, इसमें देखती हूँ दोबारा लगाते हैं क्योंकि आधे अधूरे से हो रखे हैं। थोड़ा टाइम पूरे घर का काम करने के बाद थोड़ा टाइम हमें खुद को भी देना चाहिए, है ना। थिनर मेरा आपने ही ख़त्म कर रखा है और आप ही लेके आओगे।
मेरा सारा थिनर इनने ख़त्म कर रखा है, पता नहीं उससे क्या क्या धोते थे। और थिनर का इतना बड़ा डब्बा था। आ रही हूँ। जब हमारे यहाँ मकान का काम हुआ था ना, बहुत पहले मकान के काम के लिए लेके आए थे, पता नहीं किसके लिए लेके आए थे, तब लेके आए थे थिनर। और इतनी बड़ी बोतल में आई थी थिनर, जिससे मेरे मज़े आ रहे थे। मैं रोज़ नाखून पॉलिश चेंज करके, रोज़ साफ़ करके, रोज़ लगा रही थी। बट इनने ना पता नहीं क्या क्या हटाने के, क्योंकि वो जो दाग होते हैं ना किसी चीज़ में, वो थिनर से हट जाता है, तो उसे हटाने में इनने मेरे थिनर का इस्तेमाल किया और पूरा थिनर ख़त्म कर दिया। मैं कहूँ मैं क्या भूल गई, मैं क्या भूल गई, मैं कपड़े डालना भूल गई छत में। मुझे याद ही नहीं है कि मुझे कपड़े भी छत में डालने हैं। कपड़े धो के मैंने वॉश बाथरूम में रखे हैं, डालना मैं उन्हें भूल गई हूँ। तो मुझे लगा मेरा सारा काम फिनिश हो गया। अगर हाथों हाथ अगर मैं कपड़े डाल देती हूँ ना, तो वो डल जाते हैं, फिर ऐसे ही होता है, भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहती। अगर मैं अभी बाथरूम में नहीं जाती ना, तो ये मेरे कपड़े बाथरूम में ही रहते, क्योंकि बाथरूम का जो डोर है ना वो भी बंद है, तो कपड़े सारे बाथरूम में ही रहते हैं। अच्छा हुआ मैं वहाँ चली गई। अब मैं इसे छत में डाल के आती हूँ। वैसे भी आजकल धूप बहुत तेज़ आ रही है, तो थोड़ी लेट भी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े सूख ही जाएंगे। मैं फटाफट डाल के आती हूँ। हाय गाइस, मैं आ गई हूँ रूम पे, और मैं थोड़ी देर धूप में बैठी हुई थी, और धूप में बैठने से ना मेरी सारी एनर्जी ख़त्म हो गई है। मतलब होता है ना, धूप में बैठने से नींद सी आती है, तो वही हो रहा है। मेरी बैटरी लो हो चुकी है, अब ये सो के चार्ज हो जाएगी। मजाक था। तो धूप में बैठी हुई थी, तो मुझे नींद सी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम आराम कर लेते हैं। और अभी बज रहे हैं 11, 11:30 बजे हैं, तो अभी मेरा कोई काम नहीं है फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा चलो अभी टाइम है, थोड़ी देर सो जाते हैं, क्योंकि नींद सी आ रही है मुझे। तो देखती हूँ मैं आधा एक घंटा सोऊंगी, और फिर जो भी काम है, काम तो बहुत पड़े हैं यार, काम बहुत पड़े हैं, सिलाई का काम बहुत पड़ा है, मन नहीं कर रहा पर करने का, सिलाई करने का मन नहीं कर रहा। जो भी है देखेंगे बाद में। तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। हाय एवरीवन, मैं थोड़ी देर सो गई थी और सो के उठ भी गई हूँ। और उसके बाद अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 बज रहे हैं अभी, और मैं बना रही हूँ मैगी। तो दिन में हल्का फुल्का, जैसे आजकल दोपहर को नहीं बना रहे खाना, क्योंकि सुबह ही बना रहे हैं। आंसर सुबह खा के स्कूल चले जाता है और लेके चले जाता है टिफ़िन। तो दिन में अभी है ना, अभी हम घर पे ही है, तो मुझे भूख भी नहीं लगती। और वैसे तो सब्जी रोटी मतलब बचा हुआ है, इसमें सब्जी है, देखिए इसमें भी सब्जी है, तो सब्जी बची हुई है और रोटी भी बची हुई है। आटा गूंथ के भी मतलब मैंने सुबह गूंथा था, थोड़ा सा रखा हुआ है कि दिन में अगर भूख लग गई तो रोटी सब्जी यानी जो भी खाना है तो खा लेंगे, तो ये तो है ही खैर। और अभी बना रही हूँ मैं मैगी, क्योंकि इस मैगी खाने का मन हो रहा है, और अंशु के स्कूल का आने का टाइम भी हो चुका है, तो मैंने कहा चलो मैगी बना लेते हैं। और मैगी बना रही हूँ बहुत ही सिंपल, उसमें मतलब जो प्याज टमाटो वगैरह डालते हैं वो नहीं डालने वाली, सिंपल बना रही हूँ मैं। और बस उबाल के उसमें जो मैगी मसाला होता है वो डालने के बाद के मसाले होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी स्पाइसी बना रखी है, और बाकी सिंपल तरीका है, बन रहा है उस बर्तन में। मैगी बन चुकी है, मैगी को लेके आ गई हूँ और हम खा रहे हैं। आप लोग भी खा लीजिए, आपके हिस्से का हम भी खा लेंगे। तो मैगी खाते हैं, और थोड़ी देर बाद अंशु के आने का टाइम भी हो जाता है, और अंशु के आने तक गर्म रहने वाली है, क्योंकि टाइम हो ही गया है बस उसका 3:30 बजने वाले हैं, तो अंशु के आने तक गर्म रहेगी, फिर अंशु भी खा लेगा, तो हम खा लेते हैं, वो आ जाएगा बस। अभी उनको कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी, मैगी खाने का कुछ ज़्यादा ही मन हो रहा था। टीवी चली हुई है, टीवी देखते देखते खाते हैं, और मिलती है आपसे बाद में।